While the enemy may continue to portray that the PF aircraft missed the targets, but the fact was that PF had intended just to demonstrate its capability. फ्लाइंग जो है ये एक अननेचुरल चीज़ है इंसान के लिए, और हर परवाज में कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर होता है जो जिसका कि आपने पहले से सोचा नहीं होता। F-6 जहाज़ हमने 60s में हासिल किया था चाइना से, या MiG-19, तो उसमें हमने एयरफोर्स ने उसमें मॉडिफिकेशन करके उसमें अमेरिकन मिसाइल्स लगाए थे। एक बार मैं हम लोग परवाज़ के लिए जा रहे थे, तो मेरे साथ एक और जहाज़ भी था, और जब वो जूँ ही जहाज़ परवाज़ के लिए निकलना चलना शुरू हुआ, तो उसके जो क्रू थे उन्होंने जहाज़ के जो मिसाइल की सेफ्टी पिन थी वो निकाली, और उस वक़्त उसका जो फायरिंग मैकेनिज़म था वो ट्रिगर हो चुका हुआ था किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। जी उन्होंने वो सेफ्टी पिन निकाली, वो मिसाइल फायर हो गया, और मैं उस वक्त उसके बिल्कुल सामने था अपने जहाज़ में मौजूद, जहाज़ इंजन रनिंग, और यानी कि मुझसे सिर्फ वो चंद फुट के फासले से वो मुझे मिस करता हुआ एक दरख्त में जाके लगा, और चूंकि अभी वो उसने ज़्यादा फासला तय नहीं किया था लिहाजा उसका फ्यूज़ आम नहीं हुआ था, वो फटा नहीं था। दुश्मन की सलाहियत, दुश्मन के अजायम और खित्ते के हालात और बैन अल-अक़वामी हालात को देखते हुए हमारी एयरफोर्स के जो मनसूबा साज हैं उस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, एक मंतकी क्या सराही करते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकता है, तो उसको सामने रखते हुए फिर एयरफोर्स अपनी तैयारी करती है। अगर दुश्मन ऐसी हिकमत अमली अपनाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से उसका रद्द अमल ज़ाहिर करे, या उसको मुकन्ना तौर पर रोकने की कोशिश करे, या उसका जवाब दे सके। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जंग की मशकें होती हैं जो आप पाकिस्तान के अंदर रह के करते हैं अपनी दूसरी मुसल्ला अफवाज के साथ, फिर आपकी जो दोस्त ममालिक की एयरफोर्स हैं उनके साथ तय करते हैं, ताकि आप अपनी एक खास महारत हासिल कर सकें और दूसरों के तजर्बों से फ़ायदा उठा सकें। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, और चाहे वो फिजा से फिजा में लड़ाई के ऑपरेशन हो या ज़मीन पे हमले के ऑपरेशंस हों, जब कोई जहाज़ बनता है तो उस जहाज़ के अंदर तमाम मुमकिन जो मेल फंक्शंस हैं, जो ख़राबियाँ हैं, जो दुश्वारियाँ जो साथ पेश आ सकती हैं उनका पहले से अंदाज़ा लगा लिया जाता है, फिर उनको उनके साथ कैसे निपटना है उसके भी प्रोसीजर्स तय कर लिए जाते हैं। और जब किसी भी जहाज़ के ऊपर जब कोई पायलट फ्लाइंग करने आता है तो उसकी तरबियत के दौरान ये तमाम चीज़ें उसको बताई जाती हैं, और वो फिर इनकी बाकायदा ट्रेनिंग करता है। और तकरीबन तमाम जहाज़ों के सिमुलेटर्स होते हैं ज़मीन पर, जिसके अंदर आप बैठ के बिल्कुल जहाज़ ही की तरह वो अपनी तमाम मशक कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जिसके अंदर जहाज़ में कोई ख़राबी वाक़या हो जाए तो उससे कैसे निपटना है उसकी भी तरबियत होती है। जो फ़िज़ाई लड़ाई है, ये जो फाइटर फ्लाइंग है, इसके काफ़ी स्ट्रेसेस होते हैं फिज़िकली, और किसी भी पायलट के लिए मेंटली और फिज़िकली सेहतमंद और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी उसकी एक जंग करने की सलाहियत का एक अहम हिस्सा होता है। तो अम के ज़माने में जहाँ वो फ्लाइंग करता है या ट्रेनिंग करता है या अपनी भारत को बेहतर बनाता है, उसने अपने आप को चौके चौबंद और सेहतमंद भी रखना होता है। वक्त पे सोना है उसने, नींद अपनी पूरी करनी है, वक्त पे उठना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, कोई वर्जिश करनी है हल्की फुल्की, ताकि वो सेहतमंद रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स में जब F-16 आए, जिसके अंदर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई, फिर कॉर्नर्स के अंदर छोटे छोटे जिम्स भी बन गए जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग करते थे और अपने आप को सेहतमंद और फिट रखते थे। दौरान तरबियत या ट्रेनिंग के दौरान किसी हादसे का शिकार हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो ये एक हकीकत है, और मैंने देखा है कि हमारी इस लाइफ में हमारे बहुत से साथी हमसे बिछड़ गए हादसात की वजह से, और उनके इस वाक़े को एक हकीकत के तौर पे तस्लीम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से हमारी तरबियत का भी हिस्सा होता है कि हम इसे तस्लीम करते हैं और इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते,
और इसे अगर खुदा न खास्ता इसमें किसी गलती का इस्तेमाल होता है या उसका भी अदराक किया जाता है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि इस किस्म के हादसात ना हों। क्योंकि जाहिर है जब कोई हादसा होता है, जब कोई नुकसान होता है, तो आपकी सलाहियत में कमी वाक़ होती है, चाहे वो किसी जान उसमें चली गई हो या कोई किसी कोई और नुकसान हो गया हो, तो उससे जाहिर है सीखते हुए कोशिश ये होती है कि आइंदा इस किस्म की इस नौइयत का कोई हादसा ना हो और कोई नुकसान ना हो। When we look at the episode of 27th February 2 years ago, I think this was the culmination of the training, the professional skill that PF personnel had acquired over the years and prepared for such an eventuality. The enemy was not able to inflict any damage. They brought in 20 aircraft and only 4 of them could deliver their weapon. And the only damage that they caused was a couple of craters, a few trees destroyed, and amusingly, just a crow that was killed. Now, by laws of warfare, Pakistan was entitled to only a proportionate response. And that was a serious dilemma for the Air Force planners, right? They had the government's authority and permission to go ahead and retaliate. They had to consider a retaliation which is proportionate, yet it demonstrates PAF's capability and PAF's intent to defend the aerial frontier of Pakistan and the honor of Pakistan. Hence, they had to decide on some military targets which had to be engaged in a manner that they did not destroy it. Yet, a capability of the Air Force is demonstrated to the enemy. While the enemy may continue to portray that the PF aircraft missed the targets, but the fact was that PF had intended just to demonstrate its capability and the intention. And that is why they attacked those targets in a manner that they took video films of the actual target. And then they deviated their aiming point so that the weapons land in near vicinity without causing any damage to life or property. जिनीवा कन्वेंशन मौजूद है और उसकी उसके बारे में हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और हर एक के इल्म में होता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में आप दुश्मन के इलाके में आप उतर जाते हैं तो आपके क्या हकूक हैं और आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपने क्या कुछ बताना है, क्या कुछ नहीं बताना और दुश्मन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ तक उनकी मुसल्ला अफवाज का या ताल्लुक है या गवर्नमेंट एजेंसी का ताल्लुक है, उन वो तो इन तमाम कवानीन से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, पब्लिक का ताल्लुक है, उनके तो जज्बात अलहदा होते हैं और उनको इस किस्म के किसी कवानीन का इल्म नहीं होता। और उस दौरान ज़ाहिर है आदमी को कोई किसी भी शख्स को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अभिनंदन के साथ हुआ कि जब वो पाकिस्तान में गिरा तो पब्लिक ने जब उसको घेरा तो वहाँ पे कोई उसके साथ तशद्दुद भी हुआ, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब हमारी मसल्ला अफवाज के लोग वहाँ पहुँचे तो उसको फिर वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और उसको फिर बिलाखिर वापस कर दिया गया।